बारहवीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर बारहवीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। बारहवीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि IAS को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने IAS बनने के सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर IAS बैच के साथ। तो आकार के जूनियर IAS बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर IAS बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। आप अपना नाम बताए बिना अपने विषय में बताइए कुछ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपने गृह जनपद से किया है, और मैंने अपना PG सोशियोलॉजी में किया है, साथ ही मैंने ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। आपने गृह जनपद क्या लिखा हुआ है? क्या जनपद है आपका? सर गोंडा। ODOP के बारे में आपने सुना है? जी सर। क्या है ODOP? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। हर जिले का एक उत्पाद होगा जो लोकल्स फॉर वोकल के लिए भी होगा, और इसलिए है सर। ODOP क्या है गोंडा का? सर दालें हैं सर। जी। किस प्रकार की दालें? सर सभी प्रकार की दालें हैं। जी। जैसे बलरामपुर का भी दालें जी, प्रोसेस्ड फूड दालें, और गोंडा का भी दालें, तो कुछ डिफरेंस है कि दोनों एक जैसे? सर दोनों एक ही जैसे हैं, अरहर की दालें हैं, चने की दालें हैं, इसके लिए। अच्छा, गोंडा स्पेसिफिक कुछ विशेषताएं बताइए स्टेट डिस्ट्रिक्ट। सर आज जस्ट रिकॉल आदम गोंडवी जी जो कवि हैं वो गोंडा से ही बिलोंग करते थे। सर अभी बहुत याद आ रहा है मुझे, सॉरी इसके लिए। अच्छा, गोंडा पूर्वांचल में आएगा कि मध्यांचल में आएगा, कहाँ आएगा, क्या सिचुएशन है? म्यूजिक सुनना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट? सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट? सर अभी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे ही म्यूजिक गाने को सुनना। तो किसी मतलब जैसे हम गिटारिस्ट की बात करें, तो गिटारिस्ट इंस्ट्रूमेंटल में कुछ नाम आप बता सकते हैं? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा मुझसे। आपका समाजशास्त्र भी एक विषय है? जी सर। अभी कास्ट एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के रूप में उभर रही है सोसाइटी में, उसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है जी। तो अगर हम राजनीति के क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो कास्ट कहाँ तक अपनी भूमिका पॉजिटिवली अदा करता है? चूँकि सर ये समाज से रिलेटेड है, और जाति एक तरह से इसी में अस्तित्व में है, तो कास्ट के हिसाब से सर पॉलिटिकली भूमिका भी इसकी है पॉजिटिव वे में। ये जैसे सर कि जैसे अल्पसंख्यक हो गए, अनुसूचित अनुसूचित जनजातियाँ हो गई, और अन्य पिछड़े वर्ग हो गए जो आर्थिक या समाज शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके हिसाब से कैटेगराइज करके गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग और उनको लाभ पहुँचाने तक का ये सहायता कर सकता है सर, उनके विकास में, सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है सर। आर्थिक रूप से पिछड़े की भी बात एक की गई है जी, अभी हाल फिलहाल जी सर उनको रिजर्वेशन भी दिया गया जी। तो उसकी रिजर्वेशन की आर्थिक रूप में क्या सीमा है? सॉरी सर, तो मात्रा कितनी है, कितने मात्रा तक की कैप रखी गई है सर? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बस 10% ही उन्हें रिजर्वेशन उसमें दिया गया है। जैसे कि 10 लाख, 12 लाख तक की आय वाले, 8 लाख तक की आय वाले, कितना क्या है उसमें डेफिनेशन? सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं इस पे काम कर रही हूं। 5 समकालीन समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। सॉरी सर, आज का क्या तिथि है, आज क्या दिन है? सर आज 26 मार्च है, 26 फरवरी है 2023। तो आज का दिन किसी घटना, व्यक्ति या किसी संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है?
सॉरी सर, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। आज का समाचार पत्र पढ़ा? जी सर। पांच समाचार पत्र की न्यूज बताइए। सर पहले ये कि विधानसभा में ये जो पत्र थे, प्रश्नकाल पूछे गए थे सरकार से रिलेटेड। दूसरा ये जो अतीक अहमद से संबंधित जो अभी घटना हो गई है, उपेन शुक्ला समथिंग नाम करके सर, उससे रिलेटेड है। और तीसरा सर G20 से समिट से संबंधित है, तो वित्तीय बैठक हुई थी G20 समिट की, उससे संबंधित है सर। और बाकी सारे सर, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 दोनों साथ साथ अभी चल रहे थे लखनऊ में। जी सर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो रीजनल इन्वेस्टमेंट इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कि आप देखोगे एक समान रूप से यूपी में इन्वेस्टमेंट आया हो ऐसा नहीं है, ऐसे MOU के प्रपोजल्स आए हो ऐसा नहीं है। जी सर। तो आप उसमें कुछ डायमेंशन देखते हैं, कुछ इम्बैलेंसेस देखते हैं जो इन्वेस्टर समिट है उसके जो प्रपोजल्स आए हैं, उसमें कितने रुपए के प्रपोजल्स आए, बड़ा उसमें कॉम्पेंस शो बनाया जा रहा था, कितने रुपए के प्रपोजल्स? सर 32.5 हजार करोड़ रुपए के, लाख समथिंग ऐसे। क्या है कंफर्म बताइए आपको? सर कंफर्म याद है मुझे। अच्छा, डिजिट सर बस याद है मुझे। अच्छा, उसमें कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस भी हैं कि एक समान रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की बात हुई? सर है रीजनल इम्बैलेंस, वेस्टर्न को पश्चिमी जो प्रदेश है उसमें थोड़ा निवेश ज्यादा किए गए हैं पूर्वी के कंपैरिजन। जी सर। क्या आपका गोंडा कहीं उसमें उस लिस्ट में आ रहा है, कुछ निवेश पाया है? सॉरी सर कॉल नहीं पा रहे, इसके लिए बारे में भी जानकारी नहीं है। ज्योति जी आप ये बताएं, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, PhD हो जाती है, ठीक है, उसके बावजूद आपके पापा आपकी शादी किसी IAS ऑफिसर से करना चाहते हैं, वो चाहता है कि एक अच्छा दहेज मिले, आप दहेज आपके पिताजी ना दें, इसको मतलब इसको कैटेगराइज करने के लिए, इसको या रोकने के लिए आप तीन उपाय हमें बताइए कि कैसे अपने पापा को आप कन्विंस करेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है कि वो बड़े हार्स नहीं बातें होनी चाहिए उसमें, बड़ी कठिन कठोरता से आप मना ना करें अपने पापा को, बताइए। जी सर। सर मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी कि मैं खुद सक्षम हूँ शिक्षा में और मुझे ये समय दिया जाए ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। और दहेज के खिलाफ मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि ये अवैध है, कानून अपराध है, इसमें इसको देना और लेना दोनों ही। तो मान लो दे दे, वो दहेज ठीक ना माने तो क्या आप जेल भेज दोगी? सर जेल भिजवाने का काम करोगी? आप तो विरोध में। जी सर। सर पहली बात मैं उन्हें नैतिक दबाव और बाकी अपने भावनात्मक तरीके से उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगी कि मान जाए, और फिर नहीं होगा सर तो उसके आगे का स्टेप मैं देखूंगी फिर उसके हिसाब से। इमाइल दुर्खाइम की जीरो सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर का कांसेप्ट क्या है? सही, इमाइल दुर्खाइम ने परिस्थिति के आधार पर ही डिवीजन ऑफ लेबर किया था। परिस्थिति के आधार पर? सॉरी सर, वर्क संघर्ष को उन्होंने कहा कि जो एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर, उन्होंने जो वर्क डिवीज़न था सर, उन्हें सिर्फ मार्क्स के जो आर्थिक आधार पे मार्क्स ने किया था उसके आधार पे बोला कि ये उनके आधारों में से एक आधार जो तक हो सकता है वर्ग विभाजन का, क्योंकि इसके और भी आधार हैं जो आर्थिक हो सकते हैं, जाति हो सकते हैं, लिंग के आधार पे हो सकते हैं और व्यवसाय के भी आधार पे हो सकते हैं। जी सर। तो मार्क्स है जो दो तरीके से जो है डिवीजन ऑफ लेबर को बताया, ठीक है, वो प्राचीन समाज का है, वो साबिर समाज का है, तो उसमें भी कहीं ज्यादा खास तौर पर देखने को मिलता, आपने कहाँ पढ़ाई है? चलिए छोड़िए, आप बताइए कि प्रोटेस्टेंट नैतिक एंड स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म का कांसेप्ट क्या है और इसमें कितने धर्मों का अध्ययन किया गया है? सॉरी सर, अनेबल टू रिकॉल। अच्छा, आपको हम बनाते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश को आपको डेवलप करना है, आपका विजन क्या रहेगा? सर मेरा विजन यही रहेगा कि लोकतंत्र को बढ़ावा, सर्वांगीण विकास करते हुए जनता का विकास करना, कानून व्यवस्था, शिक्षा, इसके माध्यम से शिक्षित करना, उन्हें समग्र विकास की धारा में लेके आना। वर्तमान सरकार या इसकी पहली सरकार ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा करते हुए वो उस हद तक सफल नहीं हो पाई जिस सफलता की उम्मीद उनसे जनता करती है। आप एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ क्या कदम ले सकती है जिससे आप मतलब साउथ इंडिया के जो डेवलप्ड स्टेट है उनकी जैसा बन जाए, जैसे जो एक भारत बनाम इंडिया का जो नैरेटिव है इंडिया में मतलब हिंदुस्तान में वो ना रहे? सर सबसे पहली बात है जो प्रशासन तक उनकी पहुंच है उसको बढ़ाएंगे ताकि वो तो ठीक है, बढ़िया हाइपोथेटिकल बात कैसे ये
सर जनता तक सीधे संपर्क करके उन्हें प्रत्यक्ष उसमें तो ये देखने को मिलती है कि प्रशासक को जाना चाहिए जनता के द्वार पर, जनता दरबार लगती है तो उल्टा जनता आती प्रशासक के द्वार पर, उसको मिलता भी नहीं सुबह शाम तक बैठा रहता, तो वहाँ ये दिक्कत। चूंकि सर उसके पास एक मुख्यमंत्री होते हुए सुरक्षा के कारणों से भी उन्हें डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जाता है, तो वे जनता दरबार का आयोजन करते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है सर उन जन सुनवाई करते हैं और उन पे त्वरित कार्यवाही करने का आदेश देते हैं। और क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन हुआ, सॉरी सर अभी तो मैं यहीं तक सोच पा रही हूँ, मैं इस पे और काम करूंगी आगे। आपने इस बार का बजट पढ़ा है तो ये बताइए सप्तऋषि शब्द का यूज हुआ है इस बार बजट में? जी सर। ये सप्तऋषि क्या है? सॉरी सर प्रेजेंटली आई एम अनेबल टू रिकॉल पढ़ा है सर, मैं इस पे फिर से काम करूंगी इस पे। ग्रीन ग्रोथ के बारे में आप जानते हैं? जी सर सुना है इसके बारे में। किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रीन ग्रोथ? ग्रीन ग्रोथ सर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। ग्रीन एनर्जी ही इसमें आता है ग्रीन ग्रोथ पे, या फिर और कुछ नहीं आता सर? अभी तो मुझे चार चीजों का इसमें बोला गया है, चार चीजें। जी जी जी, तो उसमें ग्रीन ग्रोथ में क्या चार चीजें हैं? सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। स्वच्छ भारत मिशन नाम है ना? जी सर। क्या है स्वच्छ भारत मिशन? सर एक तरह से गांधी जी के सपने स्वच्छ देश के हिसाब से लाया गया था, स्वच्छता, जो कचरे कूड़े कचरे हैं उनका सही से निपटारा हो। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में स्वच्छता इंडेक्स भी जारी किया है। तो गोंडा का क्या पोजीशन है? सर सॉरी सर आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? फिजिक्स और मैथ सर। फिजिक्स और मैथ जी सर। तरंगी आपने पढ़ी? जी सर। क्या होती है तरंगी? सर डेफिनेशन आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको मालूम है? जी सर। क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? सर मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है डेफिनेशन, बस ऐसे ही थोड़ा सा। पांच वुमेन से रिलेटेड इशू बताइए उत्तर प्रदेश। जी सर। सर घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थल पे छेड़छाड़, एनीमिया, मातृत्व सुरक्षा से संबंधित समस्याएं। एनीमिया? जी सर। एनीमिया एक डिजीज है? जी सर। ये क्या होता है? सर महिलाओं में रक्त अल्पता की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? सर रक्त में, महिलाओं में रक्त में कमी होती रक्त है। रक्त किससे बनता है? जी सर। और फिर टीएसपी का दिया, इसके पीछे कोई विचारधारा, कोई सोच, क्या वजह, लॉजिक क्या है? सर इसके पीछे यही लॉजिक है कि मेरा जो मानना है प्रशासन में जाना और प्रत्यक्ष रूप से जनता से संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, तो इसके हिसाब से मैंने सर ये प्रिफरेंस लगा रखे थे। तो आपको लगता है कि जो डिप्टी एसपी का पद है वो जनता से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, इंटरेक्शन नहीं रखता है, या उसकी समस्या नहीं सुलझाता, खाली एसडीएम सुलझाता? जी सर मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, अंतर बस इस हिसाब से मैंने इसको रखा, प्रेफरेंस पे दिया, क्योंकि एसडीएम सर एक व्यापक रूप से उनसे समर्थन कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, आदेश भी जारी कर सकता है कुछ मामलों में, उसके कंपेरेटिवली डीवाईएसपी कुछ कानून अधिकार है और कुछ रोक भी है उन पर। इस हिसाब से किस तरह के रोक है, कुछ स्पेशल बताएंगे? सर जैसे एसडीएम के पास राजस्व भी होते हैं, न्यायिक भी होते हैं, अपने क्षेत्र में जाके उन पर निर्णय भी ले सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं, त्वरित कार्यवाही का भी निर्णय ले सकते हैं। डीवाईएसपी सर इसमें थोड़ा लेट होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ कानूनन, मुझे जहाँ तक सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि अधिकार के बारे में। अच्छा मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए। जी सर। तो एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का डिफरेंस आपको पता है? सर डिप्टी कलेक्टर को राजस्व संहिता के तहत अधिकार दिए जाते हैं और जो एसडीएम है सर उसको सीआरपीसी की धारा 90 समथिंग के हिसाब से उनको अधिकार दिए जाते हैं सर। अच्छा चलिए छोड़िए,
मान लीजिए आप SDM है, आप बैठे हैं, आप सब डिविजन के इंचार्ज है, उस ऑफिस में आपको अचानक सूचना मिलती है कि एक इलाके में दंगा हो रहा है, माइनॉरिटी कमेटी और जो ऐसे लोग हैं, गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, उसी समय मॉनसून का वक्त है तो एक एम्बैंकमेंट है, बांध टूटने की संभावना लग रही है और उससे बहुत सारे गांव जलमग्न हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को नुकसान होगा, और ओढ़ में खाज ये आ जाता है कि अंत में एक जगह पे रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, अनमैन गेट था, उससे बस जा रही थी तो हेड-ऑन कोलिजन होता है, उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? सर, सबसे पहले मैं जहाँ पे दंगे हो रहे हैं वहाँ पे हूँ और इस सिचुएशन को संबंधित मैं अपने ऊपर के अधिकारी जो मुझसे सीनियर हैं उनसे वार्तालाप करूँगी, क्योंकि ऐसे मामले सुलझाने के उनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो जैसे सजेस्ट करेंगे फिर उसके मैं त्वरित निर्णय लूँगी। अगर सर ऐसे नहीं हो पाता है तो मैं सबसे पहले दंगे को शांत कराने की कोशिश करूँगी और जो अपने पास फोर्स है, अपने SHO या फिर जो भी संबंधित सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ मिलकर मैं भीड़ को रोकने का प्रयास करूँगी। सिर्फ उसे कंपैरिजन में दंगे जो तुरंत हो रहा है उससे ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द हजारों गांव जलमग्न हो जाएंगे, बहुत सारे ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा। जी सर, बांध चूंकि सर उसको त्वरित उसको मरम्मत नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पूर्व निर्धारित पूर्व से ही चीज़ें सही करनी होती हैं सर, उसको रोकना हमारे बस में नहीं होगा। अगर बांध टूट जाता है उससे हुई क्षति के लिए हम पहले से भी चेतावनी जारी कर सकते हैं और उसके बाद में उसका कार्य कर सकते हैं। जी सर, क्या है सर ये SDRF जो है स्टेट लेवल पे डिजास्टर रिडक्शन फोर्स है और NDRF नेशनल डिजास्टर रिडक्शन फोर्स है। बुलाने के लिए क्या SDM में पावर है? इनको नहीं बुलाएंगे आप? पंडित रविशंकर का नाम सुना है? जी सर। कौन है पंडित रविशंकर? सर ये सितार वादक है। है या थे? सर थे। थे। जी सर। अच्छा, इनकी एक बेटी है वो भी सितार बजाती है, उनका नाम मालूम? सॉरी सर, के बारे में म्यूजिक कौन सा सुनते हैं? सर इंस्ट्रूमेंट मिक्स होते हैं जो सॉन्ग है। ऑर्केस्ट्रा? जी सर ऑर्केस्ट्रा। हारमोनिका ऑर्केस्ट्रा के बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो क्या सुनती हैं आप, मतलब शास्त्रीय या सेमी क्लासिकल? जी सर फिल्मी सॉन्ग होते हैं उनको। सॉन्ग सुनते हैं? जी सर। आपने बताया था कि आप इंस्ट्रूमेंटल सुनती हैं, इसलिए मैंने इसमें तो सॉन्ग में आपको किसका सॉन्ग अच्छा लगता है? सर ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग अच्छे लगते हैं। ओल्ड क्लासिकल? जी सर। तो कुछ क्लासिकल सीखा है आपने? नहीं सर, कुछ ऐसा सीखा नहीं है। अच्छा, भारत में कितने तरह के घराने हैं ये बताएं। अच्छा चलिए, ओल्ड सॉन्ग्स फिल्मी सॉन्ग्स में कौन से आपके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर है? सॉरी सर, किसी का नाम नहीं मालूम। मॉडर्न? सॉरी सर, अनेबल टू रिकॉल अबाउट इट। सॉरी। थैंक यू।